व्हाट्सएप गाइस बहुत सारे भाई लोग बोले भाई पिक्सआर्ट में आप फोटो एडिटिंग लेके आओ कुछ सीवी फोटो एडिटिंग, तो आप लोग का डिमांड के वजह से आपका भाई सीवी फोटो एडिटिंग लेके आ चुका है। कुछ इस टाइप का फोटो रहेगा तो ऐसा फोटो को एडिट कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारा फोटो काफी बेहतरीन और काफी लाजवाब एडिट हुआ है। तो आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में अच्छे तरीके से एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो गाइस हम सबसे पहले आप लोग को ऐसा फोटो एडिटिंग करने की आप लोग को ये नहीं बोलेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहले ऐसा फोटो एडिट करने के लिए आप लोग को इधर ही से लाइटरूम ऐप में अपना फोटो को शेयर कर लेंगे। तो अपना फोटो को ओरिजिनल फोटो को लाइटरूम ऐप में गाइस शेयर कर लिए। उस वक्त गाइस आप लोग को लाइटरूम ऐप में शेयर करने में एक आप लोग को प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये वाला गाइस आप लोग को प्रीसेट ले लेंगे। सो गाइस वाले प्रीसेट को लेने में आप लोग को क्या करना ना, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान से देखिए थ्री डॉट पर टैप करके इधर कॉपी सेटिंग करके आया, तो कॉपी सेटिंग करके उस बाद आप लोग को डन कर लेंगे। डन करके उस वक्त बैक आ जाएंगे। सो गाइस बैक आ जाने के बाद अपना ओरिजिनल पिक को ले लेंगे। उस बाद आप लोग ऑन क्लिक में इस फोटो को एडिट करेंगे। तो ऑन क्लिक हमारा फोटो देखिए काफी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका। देखिए इधर पेस्ट करेंगे तब वो ऑन क्लिक में हमारा फोटो काफी अच्छे तरीके से एडिट हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो ऑन क्लिक में काफी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना प्रोसेस हो जाने बाद आप लोग देखिए हमारा फोटो काफी अच्छे तरीके से प्रीसेट वर्क किया बिफोर एंड आफ्टर। इतना प्रोसेस जब हो जाएगा तो आप लोग अभी आप लोग को फेस को स्मूथ करेंगे तभी आप लोग का फोटो अच्छा दिखेगा। आप लोग इसके लिए आप लोग को फोटो फुल HD क्वालिटी नहीं रहता कि गाइस आप लोगों सबसे लास्ट में आप लोग को फेस को स्मूथ करते, लेकिन आप लोग सबसे पहले स्मूथ कर लेंगे। तो जब आप लोग आर्टर स्केच बुक एम आप लोग जाएंगे ना तो उसमें क्या होगा बट पता है, उसमें जब आ जाएंगे तो आप लोग फेस को पहले HD कर लेंगे, तो आप लोग स्मूथ करेंगे HD करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमारा फोटो फुल HD क्वालिटी में भी है, ठीक है। आप लोग फोटो को पहले एडिट कर ले फिर उसके बाद स्मूथ करने जाएंगे तो आप लोग का फोटो का क्वालिटी पूरा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग ब्रश को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले ए वाला गाइस आप लोग को ब्रश को ले लेंगे। सो गाइस जब ए वाला गाइस आप लोग को ब्रश को ले लेंगे तो आप लोग थ्री पर टैप करके इसका थ्री आए तो आप लोग इसको फोर को सेटिंग को करके रख लेंगे। सो गाइस आप लोग फोर को सेटिंग को करके रख लेंगे अच्छे तरीके से। उतना फोर्स जब हो जाएगा तो इसको फोर आप लोग को करके उस वक्त आप लोग इसको कैंसिल कर लेना है। उस वक्त गाइस आप लोग को क्या करना ना, तो आप लोग देखिए आप लोग अपने फेस पे अच्छे तरीके से अपना ब्रश को चलाएंगे तो हमारा फेस हो गया काफी अच्छे तरीके से स्मूथ होना चालू हो जाएगा। सो देख सकते हैं आपका लोग काफी अच्छे तरीके से हमारा फेस वगैरह स्मूथ हो रहा था। सेम प्रोसेस करके आप लोग भी यही ब्रश को लेके अच्छे तरीके से आप लोग फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है जैसा आपका भाई स्मूथ कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग देखिए काफी अच्छे तरीके से करना है और कोई भी दिक्कत होगा तो आपका भाई है ना तो सॉल्यूशन उसका फुल निकाल देगा। तो देखिए आप लोग के कमेंट के अनुसार से आपका भाई सीवी फोटो एडिटिंग लेकर आ चुका है। बस आप लोग जो जो कमेंट करते हैं उसका फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तो सेम प्रोसेस करके कर लेना आप लोग अपना फेस को स्मूथ। हम क्या करते मेरे भाई लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, ऐसा आप लोग को पता है ना वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग को फेस रिसून का वीडियो देख रहा है तो काफी ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर फेस रिसून का वीडियो फुल डाल चुके हैं। इसके लिए आपका भाई वीडियो थोड़ा फास्ट करके जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम अपने फेस को आप लोग को आँख के सामने स्मूथ कर लेते हैं। सो गाइस हम क्या करते हैं फास्ट करके वीडियो को जल्दी करके स्मूथ कर लेते हैं। उस बाद आप लोग को दिखाएंगे आप लोग सीवी एडिटिंग में अपना फोटो को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तभी हम क्या करते हैं ना, आप लोग हमारा फोटो को देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से स्मूथ वगैरह कर लिए। तो जल्दी करके स्मूथ हो जाने वाला हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए फुल कितना HD क्वालिटी हमारा फेस हो चुका। उस वक्त आप लोग इधर ही से आप लोग को शेयर वाल आइकन पे इस पर टैप करके उस वक्त इधर शेयर वाल आइकन पे टैप करके आप लोग को इसी पिक को आप लोग को कौन सा ऐप में किस पे शेयर करना है, तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। आप लोग को इसी फोटो को आप लोग शेयर वाल आइकन पे टैप करके आप लोग को क्या करना, अपना फोटो को किस में शेयर करना है पिकार्ट में मेरे भाई लोग शेयर कर लेंगे। सो गाइस पिकार्ट में जब आ जाएंगे तो आप लोग को कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा तो आप लोग इफेक्ट थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा तो भी पूरा ना फूल नहीं। थोड़ा सा आप लोग इधर देखिए एडिट वाला आइकन पे आ जाएंगे। सो गाइस आप लोग एडिट वाला आइकन पे आएंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, तो बहुत सारा ऑप्शन पे देख के आप लोगों को बढ़ाना नहीं है। तो आप लोगों को इस वाले आइकन पे इधर मार्क मार के दिखा रहे हैं, तो इस वाले आइकन पे आप लोग को टैप करेंगे तो आप लोग को फेदर वन करके एक ऑप्शन तो खुल के आएगा, तो इस पर आप लोग को टैप करना है। उस वक्त जब इस पर टैप कर देंगे आप लोग का पूरा फोटो खराब हो जाएगा। तो उस पर एक बार टैप करके इसको आप लोग इसको आप लोग मार्क मार के दिखा इस पर करके उस वक्त 50 से कम ही 40 एंड 60 करके रख लेंगे। उस वक्त 60 करके इतना करके रखने के बाद 49 या 60 करके रख लेंगे। उसके बाद इतना करके आप लोग अपने फेस पे से इफेक्ट को अच्छे तरीके से इफेक्ट को अरेंज कर लेंगे। तो ओके तो देख सकते हो गाइस आप लोग को बस अपने फेस पे से इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज करना है।
तो देख सकते हो आपका भाई काफी अच्छे तरीके से हम क्या करें अपने फेस पर से इफेक्ट को अरेंज करने के लिए इधर पेंसिल आइकन पर टैप करके आप लोग को इतना सब दोनों फोटो को जूम करके इसका सेटिंग 100 करके उसके बाद आप लोग को अपने फेस पर से इफेक्ट को काफी अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। तो देख सकते हो आपका भाई काफी अच्छे तरीके से इफेक्ट को अरेंज कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अपना फोटो पर से इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। जैसे आपका भाई अपने फेस पर से इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके कर लेना है, कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो देखने बाद आप लोग को जो भी फोटो एडिटिंग का प्रॉब्लम था सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। तो देख सकते हो आपका भाई काफी अच्छे तरीके से हम अपने फेस पैसे और हैंड पैसे और पैर पैसे अच्छे तरीके से इफेक्ट को अरेंज कर लेंगे। तो आप लोग भी आराम आराम से कीजिए, कोई भी आप लोग को जल्दबाजी नहीं करना कि गाइस आप लोग को पता है जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो ही जाता है, इसके लिए आपका भाई बोलते रहता आप लोगों को फोटो एडिटिंग करते हैं तो बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। टेंशन जब लेंगे आप लोग को फोटो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। और आप लोग को क्या करना ना, वीडियो को मिस नहीं करना, ठीक है। आप लोग वीडियो को मिस कर देंगे तो और आप लोग नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए गाइस आपका भाई जो एक एक स्टेप जो होता है तो आप लोग को मार्क मार मार के समझाते रहते हैं कि गाइस आप लोग एक भी मिस्टेक आप लोग को मिस ना हो। तो ऐसा सेम प्रोसेस करके आप लोग को क्या करना है, अपने फेस वगैरह पर इसे इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोग को और यहाँ पर आप लोग को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। सो गाइस जब यहाँ से अरेंज कर लेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ से अपना फोटो को डन वाला आइकन दिख रहे हैं ऐसा डन कर लेंगे। अभी हम क्या बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे तो बैकग्राउंड को मेरे भाई लोग ब्लर करने के लिए इधर से आप लोगों शेयर वाला आइकन पे टैप करेंगे। सो गाइस शेयर वाला आइकन पे जब टैप करेंगे अपना फोटो को हम लोग क्या करेंगे अपना फोटो को फोटो रूम एम में आप लोग शेयर कर लेंगे। सो गाइस फोटो रूम एम में आएंगे तो कुछ आप लोग का हमारा फोन का स्कैनिंग ऐसा करेगा, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ऐसा कुछ आप लोग को लोडिंग लेगा। उधर आप लोग इधर ब्लर वाला आइकन दिख रहा है तो ब्लर वाला आइकन पे आप लोग को टैप कर देंगे। सो गाइस ब्लर वाला आइकन पे जब टैप करेंगे तो आप लोग का कुछ इंटरफेस ऐसा खुलेगा। तो इस फिर से बोका इफेक्ट में नहीं आप लोग ब्लर वाला आइकन नीचे की साइड में दिखेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए इतना बोका इफेक्ट नहीं आप लोग के वाला नहीं, आप लोग ब्लर वाला आइकन पे टैप करेंगे तो फिर से इधर बोके इफेक्ट नहीं तो ब्लर करके लिखा रहेगा। इस पर टैप करेंगे दूसरे नंबर ब्लर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इस ब्लर को दूसरे नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना ना, इसका इफेक्ट को 19 एंड 18 करके दोनों में से कोई भी एक करके रख लेंगे। इतना प्रोसेस हो जाने बाद हमारा देखिए बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर हो चुका। उसके बाद आप लोग को शेयर वाला आइकन पर नहीं आप लोग को सेव कर लेंगे। उसके फिर से अपना फोटो को जो फीका टैप को ओपन किया था फीका टैप को फिर से ओपन कर लेंगे। उसके बाद ऐसा आप लोग को क्या करना ना, बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। सो वाले बैकग्राउंड को ब्लर करने के ऐड फोटो पाएंगे, जो फोटो को आप लोग बैकग्राउंड को ब्लर किया तो वो ब्लर को हम क्या करेंगे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फिंगर से अपना फोटो को जूम करके आप लोग को क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड को ब्लर करिए हैं तो नीचे की साइड में हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो आप लोग पेंसिल आइकन पे टैप करके इस ऑफसेट को इतना सा करके नीचे की साइड से हम क्या करेंगे, नीचे साइड से गाइस इसको बैक आ जाते हैं, नीचे की साइड से हम अच्छे तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज कर रहे हैं। सो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अच्छे तरीके से इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज करना है। जैसा आपका भाई इफेक्ट को अच्छे तरीके से अरेंज कर रहा है तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है। तो सो गाइस देख सकते हो आपका भाई काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड को भी ब्लर कर चुके हैं। अभी आ चुका बैकग्राउंड को चेंज करेंगे जो आप लोग का भी देखा था थंबनेल में सेम प्रोसेस करके। तो इस वाले आइकन पे आ जाएंगे, इस वाले आइकन पे आकर कलर वाले आइकन पे आ जाएंगे। सो गाइस कलर वाले आइकन पे जब आ जाएंगे तो आप लोग को इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा, तो उसका कलर को आप लोग सेलेक्ट करके आप लोग को कितना करके रखना है 27 करके जब रखेंगे तो सेम कलर यही आप लोग को मिलना चालू हो जाएगा। तो 27 करके रख लिया तो सेम कलर हमारा ए मिल चुका था, इसका तो हमारा फोटो काफी अच्छे तरीके से अभी बैकग्राउंड जैसा आप लोग को दिखा है सेम कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अपना जो बैकग्राउंड बोक है इफेक्ट बूंदी बूंदी सा व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा था आप लोग उसको ले लेंगे। तो आप लोग को लेने के लिए सबसे पहले ऐड फोटो पा जाएंगे। सो मेरे भाई ऐड फोटो जब आ जाएंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे देंगे, इसका फुल वीडियो देख के आप लोग भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को क्या करना ना, तो आप लोग इसको सॉफ्ट ब्लेंडिंग पे आके इसको भी सॉफ्ट करके जब रख लेंगे जो हमारा ब्लैक ब्लैक टोन है वो खत्म हो जाएगा, ओनली हमारा बोक है इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद दोनों फिंगर से आप लोग को जूम करके अच्छे तरीके से अपना फोटो को ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद आप लोग को पेंसिल आइकन पर टैप कर लेना है। आप लोग अच्छे तरीके से आके जो अपना फेस वगैरह इफेक्ट गया इसको अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, मेरे भाई लोग पेंसिल आइकन पे टैप करके जो हमारा स्टार पार्ट है इसको अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे। देख सकते हो आपका भाई काफी अच्छे तरीके से स्टार पार्ट जो भी था अच्छे तरीके से इरेज कर चुका। तो देखिए हमारा फोटो काफी बेहतरीन तरीके से एडिट हो चुका जैसे आपका भाई दिखा है। तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी एडिट कर लेना है, कोई भी आप लोग को दिक्कत वीडियो में होने वाला नहीं होगा। नहीं होगा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आप लोग को पीएनजी का लिंक दे देंगे, आप लोग को फॉरवर्ड
इनवाइट नहीं किए थे आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो फुल देख के डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए मेरे वाले वीडियो आप लोग इतना ज़्यादा पसंद आया हो न्यू न्यू ट्रिक आप लोग को सीखने के लिए, मैं आप लोग क्या करना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया था आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप लोग को वीडियो को तुरंत ही आप लोग को चले जाना छोड़ के, और सर आप लोग फुल HD क्वालिटी में वहाँ से फोटो को सेव करते हैं। और गाइस हम लोग मिलेंगे ना किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल।